हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 16 अक्टूबर 2020 से दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा प्रशिक्षण शुरू हो गए हैं। मॉड्यूल 1, 2, 3 हम सभी ने कर लिया है और इसके सर्टिफिकेट भी जारी हो चुके हैं। दोस्तों, निष्ठा प्रशिक्षण दीक्षा पोर्टल पर 15 जनवरी 2021 तक चलेंगे। इस बीच हम सभी टीचर्स को कुल मिलाकर 18 मॉड्यूल पूर्ण करने हैं। मॉड्यूल 4, 5, 6 के लिंक जारी हो चुके हैं और सभी टीचर्स इनको करने में लगे हुए हैं। साथियों, जब हमारे कुल मिलाकर 18 मॉड्यूल पूर्ण हो जाएंगे, तब हम सभी टीचर्स का एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, जिसमें 60% नंबर लाना अनिवार्य होगा। 60% नंबर लाने पर ही एक सर्टिफिकेट जारी होगा, जो निष्ठा प्रशिक्षण से संबंधित होगा। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने मॉड्यूल नंबर 4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। इस तरह के क्वेश्चन निष्ठा के 18 प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद होने वाली ऑनलाइन परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। साथियों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली सभी वीडियोस के लिंक और नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, साथ ही मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं मॉड्यूल 4 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों की रूपरेखा निर्धारण में महत्वपूर्ण आयाम है। कक्षा का सामाजिक शैक्षणिक ढांचा, बहुवर्गीयता, बहुजातीयता, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। क्योंकि कक्षा में बच्चों की जो रूपरेखा निर्धारित होती है उसमें कक्षा का सामाजिक शैक्षणिक ढांचा भी महत्वपूर्ण होता है, बहुजातीयता और बहुवर्गीयता ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसमें हम उपर्युक्त सभी पर निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रवेश करने वाला प्रत्येक बच्चा अपने परिवार या समुदाय से बिना कुछ सीखे प्रवेश करता है, यह कथन सत्य है, असत्य है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जवाब है विकल्प बी, असत्य है। क्योंकि कक्षा में जब कोई बच्चा आता है तो वह अपने परिवार से, समुदाय से कुछ ना कुछ सीख कर ही आता है, ये कथन असत्य है। जो इसमें लिखा हुआ है कि वो बिना कुछ सीखे आता है, यह असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जेंडर आयामों का समाकलन मॉड्यूल सहायक होगा। शिक्षकों एवं बच्चों की मौजूदा जेंडर पक्षपातपूर्ण रवैया एवं व्यवहार की पहचान करने में, विभिन्न विषयों के सव्यवहार में जेंडर संवेदनशील शैक्षणिक प्रक्रियाओं का विकास करने में, कक्षागत वातावरण में जेंडर संवेदनशीलता को बढ़ावा देने वाली अधिगम गतिविधियों का उपयोग करने और उन्हें ग्रहण करने में, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त सभी, विकल्प नंबर 4। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। जेंडर एक प्रकार की सामाजिक निर्मिति का एक उदाहरण है। यौन, सेक्स शब्द स्त्री और पुरुष और अन्य योनिकर्ताओं के बीच के जैविक अंतर को बताता है। जेंडर स्त्री पुरुष एवं ट्रांसजेंडर के बीच समाज द्वारा निर्धारित एवं विशिष्ट संस्कृत भेद है, या फिर उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, जेंडर के विषय में क्या सत्य है। जेंडर संबंध और प्रकार्य यह गतिशील है। जेंडर सामाजिक अंतःक्रियाओं के इतिहास से प्रभावित होते हैं, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं।
इस सवाल का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लड़कियां भी सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल हों, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला विकल्प, शिक्षकों को पहले सभी विद्यालय गतिविधियों में जेंडर भेदभाव की पहचान करनी चाहिए। दूसरा विकल्प, कक्षा में और कक्षा के बाहर की गतिविधियों की योजना निर्माण और कार्यान्वयन करना चाहिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त दोनों विकल्प सही हैं, तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त दोनों विकल्प सही हैं। अगला सवाल, एक गुप्त पाठ्यक्रम वह है जो विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है, विद्यार्थियों द्वारा विद्यालय में औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं भी हो सकता है। उपर्युक्त दोनों विकल्प सही हैं, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प सी, उपर्युक्त दोनों विकल्प सही हैं। यानी कि एक गुप्त पाठ्यक्रम वह होता है जो विद्यार्थियों के लिए औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है और नहीं भी हो सकता। अगला सवाल, निम्न में से कौन हिडन पाठ्यक्रम का हिस्सा है? जेंडर के आधार पर कक्षा और स्कूल के भीतर बैठने के स्थानों का विभाजन, लड़के और लड़कियों को अलग अलग कार्य सौंपना, रोजमर्रा की स्कूल गतिविधियों में अभ्यास, पुरस्कार और दंड की व्यवस्थाएं, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, शिक्षकों का लेबलिंग पैटर्न आता है पाठ्यक्रम में, जेंडर संवेदनशीलता में, हिडन पाठ्यक्रम में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है हिडन पाठ्यक्रम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक जेंडर मिथक है? लड़कियां महिलाएं आश्रित होती हैं, पुरुष एवं स्त्री सक्षम होते हैं, लड़कियां और महिलाएं शक्तिशाली होती हैं, पुरुष एवं महिलाएं दोनों भयभीत और बहादुर होते हैं। सही जवाब है विकल्प नंबर 1, लड़कियां महिलाएं आश्रित होती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक सभी विषयों में सन्निहित मुद्दा है और ज्ञान के निर्माण के लिए एक मूल आधार है? पहला विकल्प है यौन यानी कि सेक्स, दूसरा विकल्प महिला पुरुष, तीसरा जेंडर और चौथा इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है जेंडर। अगला प्रश्न, हमारी भाषा होनी चाहिए जेंडर समावेशी, जेंडर निष्पक्ष, उपर्युक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त दोनों, हमारी भाषा जेंडर समावेशी और जेंडर निष्पक्ष होनी चाहिए। अगला सवाल है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन का क्या अर्थ है? जेंडर, धर्म, क्षेत्र, वर्ग और विकलांगता के संदर्भ में विविधता को स्वीकारना और उसका सम्मान करना तथा सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखना। दूसरा विकल्प, प्राप्त विचारों, संस्थानों और प्रथाओं पर प्रदर्शन और जांच करना। तीसरा विकल्प है, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्थानों, मुद्दों जो महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करते हैं उसकी गंभीरता की जांच करना। और चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं, परंपराएं या मानदंड अभी भी प्रचलित हैं? दहेज प्रथा, पुरुष देखभाल करने वाले पोषण करने वाले होते हैं, बेटियों पर बेटों को वरीयता, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 4, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी प्रथाएं, परंपराएं, मानदंड अब प्रचलित नहीं है? अस्पृश्यता का चलन, लड़कियों की शारीरिक गतिशीलता पर प्रतिबंध, विधवाओं की पृथकता, उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न जो इस सवाल का सही जवाब है वो है उपरोक्त सभी। अगला सवाल,
विज्ञान शिक्षण के माध्यम से जेंडर समेकन का क्या अर्थ है? पहला विकल्प है विज्ञान वर्ग जाति जेंडर और धर्म के आधार पर पूर्वाग्रह को कम करने में मदद करते हुए तर्कसंगत सोच को विकसित करता है। दूसरा विकल्प विज्ञान के माध्यम से विद्यार्थी को सिखाया जा सकता है कि शारीरिक रूप से अंतर किसी की श्रेष्ठता या हीनता को नहीं दर्शाता है। तीसरा विकल्प सभी यौनों की आंतरिक क्षमताओं को पहचाना जाना चाहिए ना कि एक दूसरे की तुलना की जानी चाहिए। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न प्रत्येक जेंडर का पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार है। पहला विकल्प दूसरा है पुरुषों महिलाओं का एक अधिकार है। तीसरा ट्रांसजेंडर का बिल्कुल अधिकार नहीं है। चौथा विकल्प उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब है कि प्रत्येक जेंडर का पारिवारिक संपत्ति में समान अधिकार है। अगला प्रश्न जब किसी का जेंडर संदर्भ ज्ञात होता है तब उसे प्रायः पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है स्त्रीवाची संबोधन दिया जाता है ट्रांसजेंडरवाची संबोधन दिया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है पुरुषवाची संबोधन दिया जाता है। अगला प्रश्न जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? जेंडर पुरुषों महिलाओं और ट्रांसजेंडर के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है। जेंडर संबंध समय के साथ और लोगों के विभिन्न समूहों के बीच विभिन्न होते हैं। जेंडर महिलाओं पुरुषों और ट्रांसजेंडर के बीच एक सामाजिक रूप से निर्मित अंतर है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर एक। अगला सवाल शिक्षक अपने स्वयं के सामाजिकरण के परिणाम स्वरूप जेंडर पक्षपातपूर्ण रवैये को विकसित करते हैं। पहला विकल्प औपचारिक रूप से दूसरा विकल्प अनौपचारिक रूप से तीसरा विकल्प उपरोक्त दोनों तरीके से और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त दोनों तरीके से। सवाल नंबर 21 कक्षा में प्रवेश करते समय सभी शिक्षकों को त्याग देना चाहिए स्वयं का आत्मसम्मान स्वयं का पूर्वाग्रह उपर्युक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब है स्वयं का पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न क्या यह कथन सही है राजनीति में सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम सक्षम हैं? इसका पहला विकल्प है हाँ महिलाएं घर के काम करने के लिए अधिक अनुकूल हैं। विकल्प नंबर दो हाँ वे भावनात्मक रूप से कमजोर हैं और निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। तीसरा विकल्प नहीं यह सत्ता और अधिकार की पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। चौथा विकल्प हाँ महिलाओं को जैविक रूप से कमजोर यौन माना जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर तीन तीसरा विकल्प नहीं यह सत्ता और अधिकार की पदों को संभालने में पुरुषों की तरह ही सक्षम है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है महिलाओं का स्थान घर है लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए लड़के लड़कियों से अधिक मेहनती होते हैं लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए वह शादी के लिए बनी है। इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर दो लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेंडर पहचान निर्धारित करती है कि हम कैसे समझे जाते हैं हमसे एक पुरुष स्त्री और ट्रांसजेंडर व्यक्ति से कैसे व्यवहार की अपेक्षा की जाती है हमारे यौन सेक्स के आधार पर हमारे साथ अलग तरह से व्यवहार हमें समानता तक पहुंचने से रोकता है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला सवाल गुप्त पाठ्यक्रम में क्या शामिल है व्यवहार दृष्टिकोण आचरण उपरोक्त सभी। सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो साथियों ये थे क्वेश्चन जो कुल मिलाकर 25 हैं इनकी सहायता से आपको काफ़ी मदद मिलेगी मॉड्यूल नंबर 4 को रिवाइज करने में। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और उपयोगी लगती है तो इसे आप अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।
आपका दिन शुभ हो।